सो गुड मॉर्निंग। सो मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन रहता है वो मैंने ख़त्म कर दिया। अभी जा रही हूँ लंच बनाने, नहा कर आई हूँ अभी जस्ट। और कल बहुत होली खेला हम लोगों ने, पापा के घर गए थे सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कबीर के तो भी कानों में कलर लगा है सर, बहुत मज़ा आया कल। तो बस अभी जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो गई और आज 8 बजे तक सोती रही थी। कल बहुत थक गए थे और फिर गाइस मैं 3 दिवस की छुट्टी है तो कल तबीयत खराब हो जाती है, बहुत थक गए थे। वापस आकर मैंने बहुत सारे काम जो था वो मॉर्निंग से ही पड़ा था तो वो किया, तो वो सब किया और लेट नाइट तक जागे इसी वजह से। तो चलो पहले चाय पीते हैं और चाय बना लूँ और आज ही आए, 1-2 दिन में गेहूँ भी आ जाएंगे तो गेहूँ भी भरने हैं। सो लंच बनाने के बाद 12:30 बज रहे हैं, मैंने आज जल्दी लंच बना लिया। तो फर्स्ट में सारे जो कपड़े हैं कल के थोड़े से प्रेस करने हैं, पीछे हैं वॉश करने हैं तो वो भी मशीन में डालती हूँ। और ये वाले मैंने सोचा अभी आज जल्दी फ्री हो गई हूँ ना, तो फ्री मीन्स का मुझे अभी रोटी बनाना बाकी है। हेयर केयर का मैं ऑयल करूँ तो उसका मैं ब्लॉग अलग बनाऊँगी, लेकिन आज सिर्फ रूटीन का ही ब्लॉग है। तो फिलहाल मैं कपड़े जल्दी जल्दी सब ठीक कर लेती हूँ। देखिए है ना अच्छे बाल नेचुरली, और पूरा फेस अच्छा नहीं है कल कलर की वजह से। थोड़ा सा सुबह का शैम्पू में थोड़ा सा एक होम मेड पैक लगा लूँगी। और क्या अभी देखो मेरे पैरों में कुछ मतलब कुछ हो रहा है, मैं खुले पैर नहीं रह सकती। मैं खड़ा जब रोटी बना 5 सेकंड या 10 सेकंड से मैं वो खड़ी रहती हूँ ना किचन में, इतना ऐसे लगता है कि कुछ अपने पैरों के नीचे कुछ रख दूँ। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द। और देखो मैंने ये थोड़ा सा पेड़ यहाँ ऐसे कर दिया है, मैंने मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं पता नहीं क्यों। तो अभी 4:15 बज रहे हैं और मैंने थोड़ी देर लगाया है अपने चेहरे पर बेसन और थोड़ा सा मिल्क का एक पेस्ट बनाकर लगाया था, 1/2 घंटे से लगाया था तो भी एकदम ड्राई हो गया है। तो वॉश कर लेती हूँ और कबीर को बुलाकर उसे रेडी करवाती हूँ। उसे रेडी मतलब नहला कर कपड़े वगैरह पहना कर फ्रेश करवा कर बैठा रहता था। उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, अब वो ऊपर चल गया तो मैं उसे ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। 4 बजे के टाइम है ट्यूशन का, सो उसे ट्यूशन छोड़ कर आती हूँ। पहले थोड़ा सा फेस वॉश। सो फर्स्ट कबीर को बना देती हूँ मैं बोर्नविटा। ये दरवाजा बंद करके दोपहर को बंद कर देती हूँ। इसमें सारे फूल देखो नीचे गिर गए थे तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला छोटा सा है ना देखो, ये उसमें मैंने रख दिए ताकि स्मेल आते रहे और ये 2-3 दिन तक मुरझाते नहीं है, इसीलिए तो इसके गजरे बनते हैं, ये फूल के गजरे बनते हैं ना। तो
बस कभी को छोड़ने जा रही हूँ और ऐसे ही दरवाजा थोड़ा सा बंद कर देती हूँ। हाँ कभी हाल बेटा मास्क लगाई मास्क लगाई। टाइम कबीर का स्कूल और ट्यूशन का टाइम 4 बजे का ना, 4 बजे का टाइम बहुत धूप होता नहीं कभी। और मैंने होमवर्क भी करता कभी का होमवर्क था नहीं इतना चार खेली तू मैंने पाता तो रो भाई रहा है चार खेली ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है होमवर्क सब करना पड़ेगा ना। कबीर की छुट्टी है ट्यूशन में तो कबीर और हम जा रहे हैं वापस घर। चलो 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 ट्यूशन जाए तू मैंने भेजू। अरे यार कबीर बहुत बड़ा धक्का खाना पड़ा नहीं कबीर। धक्का ना धूप था, एक तो धूप है बहुत ज्यादा और धूप था भी था यार। चलो 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 घर जाकर अच्छा अच्छा ठंडा पानी पीते हैं। चल 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 हाँ क्यों बहुत बड़ा धक्का खाकर हम लोग आ गए जो हम हमारा काम करने और ये देखे इसका साइज इससे और इससे और इधर लगा बहुत ज्यादा है। इतना थोड़ा सा ही रास्ता है बट इतना धूप था ना पूरा। कबीर बोल रहा था कि मम्मा 3 दिन की छुट्टी है बट मुझे लगा शायद 2 दिन के था क्योंकि हम संडे को संडे को तो मंडे और आज ट्यूसडे है ट्यूसडे 2 दिन की छुट्टी। वाह कबीर हम मम्मी को तो कभी छुट्टी ही नहीं मिलती। मम्मी को तो 30 डेज साल के 365 दिन कर का काम काम काम। मम्मा को कभी छुट्टी नहीं मिलती ना कबीर। एक दिवस मिले कब कौन सा एक दिन भी नहीं मिलती। ये तो बात तो तेरे पापा ले जाए ना। अच्छा अच्छा अभी इवनिंग का थोड़ा सा जो मेरा रूटीन रहता है वो कर लिया मैंने। अभी मैं थोड़ा सा कर रही हूँ अपना हाइब्रो थ्रेडिंग मींस के यहाँ जो थोड़ा थोड़ा सा है बस वो ही निकाल रही हूँ। फ्री हो गई हूँ जल्दी जल्दी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलो ना ये मैं ज़्यादा से आईब्रोज बनवाती हूँ बट ये मेरा आईब्रो ऐसे ही अच्छा नहीं है छोटा छोटा है इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं बनवाती हूँ। कभी कभी अगर लगे ना तो मैं सिर्फ यहाँ से अपने जो ऊपर से ही वाला वो वहाँ से मैं अपने घर पर ही मैं थ्रेडिंग कर लेती हूँ। सो मैं थोड़ा सा ये वाला कबीर का ही पाउडर है वो लगा रही हूँ। मुझे आता है थ्रेडिंग करना मैं जैसे कि कर लेती हूँ अगर कभी ऐसा हो तो मुझे ऐसा कहीं नहीं। कबीर गया है उसके दादा के साथ बाहर और देखो ये वाला मेरे पास वो आईब्रो बनाने का थ्रेडिंग जो मतलब ये धागा है वो नहीं है ये वाला है तो बस इसे मैं थोड़ा सा इतना देखो इतना सा ही चाहिए मुझे बस यस इतना सा इतना इतना भी बहुत बड़ा है बस इतना चाहिए। इनका सुबह से मॉर्निंग का थोड़ा सा ब्लॉग बस ऐसे ही कंटिन्यू रखा था मैंने तो अभी थोड़ा सा मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ बस ऐसे ही ऐसे थोड़ा सा ये कर ले और फिर क्या है यहाँ थोड़ा थोड़ा ही करना था मुझे ऊपर से ही
वैसे मैं आईब्रो तो मैंने बोला ना मैं नहीं बनवाती, आईब्रो फिर वैसे कुछ नहीं करवाती, लेकिन कभी कभी ऐसा लगे ना कि मुझे यहाँ पर ही अगर लगे तो वो ये देखो ये ऊपर वाले आँखों के देखो यहाँ के जो नीचे है ना ये वो नहीं निकालती वो, क्योंकि वो अगर निकालूंगी ना तो ये पूरा सेप खराब हो जाएगा, इस वजह से नहीं निकालती। सो मुझे थोड़ा सा आईब्रो को सेप ही देना था तो बस वो कर लिया है वापस, अंदर जाकर थोड़ा सा मिरर में सेप कर लिया मैंने, घर पर ही कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ बुरा ना। तो चलिए गाइस आज एक यहीं तक का व्लॉग था छोटा सा, तो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, पहले लाइक कीजिए फिर वॉच कीजिए, पूरा वॉच कीजिए ठीक है, मेरा वीडियो पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस आज यहीं तक का व्लॉग था, चलिए बाय, कल मिलूँगी या नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक गुजराती हाउस वाइफ हूँ मैं, गुजरात से हूँ, पोरबंदर से हूँ, तो प्लीज़ मेरे जो पोरबंदर में है तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।